तो यू नो वेरी वेल, डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर के इनसाइड हमने ऑलरेडी डिजाइनिंग का पोर्शन के अंदर थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे उसके फोर स्टेप थे, यू नो वेरी वेल विच, माइंड में सेट कर लेना। इसके बाद अभी हम यहाँ पे वेबसाइट का डिजाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए कंपोजर सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट फॉर सेक्शन नंबर सेकेंड। प्लानिंग ऑफ द वेबसाइट तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर टू के इनसाइड हाउ टू इंसर्ट टेबल, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सेकंड वन लिंक, यू नो वेरी वेल यहाँ पे लिंक का मीनिंग होता है टू पेज को कनेक्ट करना, राइट। उसके बाद है इमेज, यू नो वेरी वेल इमेज का अनदर नेम क्या है, ग्राफिक बोल सकते हैं, पिक बोल सकते हैं, राइट। और ये सब कुछ हमको किसके थ्रू करना है, कंपोजर के थ्रू। तो ये लिटिल बिट मैंने ओवरव्यू दिया, यहाँ पे वन बाय वन ये सब कुछ लर्न करने के बाद हमको क्या डिजाइन करना है, अभी होम पेज। ओके, लेट अस स्टार्ट फॉर कंपोजर सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन के साथ पूरा ओवरव्यू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट, नेम कौन सा रहेगा, स्कूल प्लाजा। एक हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और यू नो अवेलेबल ई कॉमर्स मीन्स व्हाट, जिसमें प्रॉफिट का कंसेप्ट होना चाहिए। जो मेरा गोल क्या हुआ, मेरा पर्पस क्या है, प्रॉफिट करना। और उसको जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नेम क्या रखूंगा मैं, स्कूल प्लाजा। ओके, तो ये क्लियर है। अभी ये स्कूल प्लाजा की वेबसाइट का इनसाइड हम सेल क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट के अंदर सेलिंग क्या होता। तो सबसे फर्स्ट हम पेन सेल करेंगे, नोटबुक है, कैलकुलेटर है, बुक अवेलेबल है, फाइल है, फोल्डर है। ओके, जितनी भी हमारी स्कूल के रिगार्डिंग स्टेशनरी हो, वो हम ऑनलाइन सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। और हमारे कस्टमर है, वो हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और ऑनलाइन जो उसको विश है उसको डिस्काउंट मिलेगा, और लास्ट में ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे और हम ऑर्डर भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका पर्पस क्लियर है। ओके, आपका जो कंटेंट है वो क्लियर है। अभी ये सब के साथ साथ हम कौन सा टेक्नोलॉजी डिजाइन करेंगे, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला इसके अंदर टेबल है, तो टेबल के अंदर देखो ये वन रो, सेकेंड रो, रो के अंदर भी वापस ये सिंगल फर्स्ट रो के अंदर टू कॉलम है, कॉलम वन कॉलम टू। अब आप देखोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, जैसे हमारा वेबसाइट का पर्पज था स्कूल प्लाजा, एक बार स्लोगन दिया है, सब हेडिंग भी दिया है। जिसे कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लोगो होना इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने स्कूल का एक लोगो बना दिया है, और सिंपल लोगो अवेलेबल है। आप कहीं भी इसके लिए इमेजेस आपके पास होने चाहिए, इमेजेस आपके पास स्मॉल साइज में होने चाहिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, ये पूरी वेबसाइट हमको खुद को डिज़ाइन करना है, तो थोड़ा सा वेट करिए तो आपको समझा दूंगा। जैसे फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आपकी वेबसाइट की विजिट कर रहा है, तो फर्स्ट कस्टमर को हम क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। बाद में मेन हेडिंग है, वापस हमारे ये सेकंड रो है, कैटलॉग है, प्रोडक्ट लिस्ट है, डिटेल्स है, हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम मेनू ऐड कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट होम है, पेन, नोटबुक, कैलेंडर, चिल्ड्रन बुक, फाइल एंड फोल्डर, वाटर एंड राइट, पोस्टर कलर भी अवेलेबल है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये मेनू है। जैसे हमारा क्लाइंट यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये इमेजेस सब पेन की होने चाहिए, यहाँ पे सब मिक्स इमेजेस हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा पेज है, होम पेज है। वेबसाइट जब स्टार्ट करोगे ना तो आपको फ्रंट पेज पे ऐसे ही दिखेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे पेन है, देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, ये पेन की इमेजेस है। उसके बाद यहाँ पे पेन की प्राइस भी अवेलेबल है, और आप इंटरेस्टेड हो तो देखो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के चेकबॉक्स हैं, आप शॉपिंग करना चाहते हो तो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले तो हो रहा है, डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पे उसकी प्राइस भी दिया है, जैसे पेन की प्राइस है 59। ओके, ये मेरी वजह से मुझको ये शॉप ये इमेज अच्छी लगी, मिस ये पेन अच्छी लगी, आप उसके ऊपर चेक कर दो, मिस अब क्या ये कार्ड हो है, मिस 59 हुआ। इसके बाद मुझको ये बुक भी चाहिए। ओके, नोटबुक है, इसके प्राइस रेडी है, मार्केट में मुझको लो प्राइस में मिल रहा है, ये भी मेरी वीज है, तो मैं इसमें तो टोटल 55 प्लस 59 जो भी आपका एडिशन हो गया, लास्ट में फाइनली बिल बन के आएगा, ऐसा हमारा मेन पर्पज है। देखते हैं
जैसे ये मैंने 2 प्रोडक्ट परचेस किया है और इंटरेस्टेड हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद मुझको क्या करना है। जैसे मैंने वो स्क्वायर बटन के ऊपर शॉपिंग कार्ट के अंदर मैंने चेक किया था तो 2 प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे मैं जो रेफरेंस बुक में वही स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे जिसे स्कूल बैग है वो शॉपिंग करना चाहता हूँ, उसकी प्राइस है 410 और क्वांटिटी 1 है, वाटर बॉटल है 200 है उसकी 2, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिक्स है और ये सब कर दोनों का टोटल होके यहाँ पे ये मिल गया। ऐसा आपने कभी देखा होगा? कभी नहीं। मीन्स अभी आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या मॉल के अंदर शॉपिंग करके बाहर एग्जिट होते हो तो आपको ऐसे ही दिया जाता है और उसके बैकग्राउंड में कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। ओके, इसके लिए हमको जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, उसका भी मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। व्हाट इज अ जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज अ सीएसएस एंड व्हाट इज अ फॉर्म, तो फॉर्म के बारे में ऑलरेडी हमने कम्प्लीट कर चुके हैं, जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस के बारे में भी क्लियर है। अभी हमारा जो मेन कंसेप्ट है ये सबको कनेक्ट करके एक सिंपल गुड वेबसाइट बनानी है और उसका मेन पर्पज है ई कॉमर्स का। जो आपने विश लिस्ट किया था उसको बोलते हैं शॉपिंग कार्ट। मीन्स आपकी विश है, आप प्रोडक्ट को परचेस करोगे और इसमें जो भी आप अमाउंट है, ओके, आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल मिलती जा रही है और टोटल एडिशन होकर आ गया। तो आई होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर है। एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, जो भी क्लाइंट है वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेगा, टोटल होके आ जाना चाहिए। ओके, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हमारे सिलेबस के अंदर सबसे फर्स्ट मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और बिलिंग बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का टाइपिंग होना चाहिए, बट मैं लर्न करवाऊंगा। पर सबसे मोस्ट हमारा मेन गोल है हाउ टू डिजाइनिंग द वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग द सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। तो सबसे फर्स्ट हम होम पेज बनाएंगे। तो यू नो वेरी वेल होम पेज मींस व्हाट, वेबसाइट का फ्रंट पेज है। जैसे कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हो और लिखते हो वहाँ पे www.google.com, तो गूगल का नेम आएगा, मिस गूगल डूगल लोगो होगा यहाँ पे जो भी उसका, और यहाँ पे सर्च इंजिन का बटन, खत्म। ये उसका होम पेज है, वेबसाइट का फ्रंट पेज। अब जो भी यहाँ पे वर्ड टाइप करोगे इसके बाद सब पेज भी ओपन होता है, ये हुआ होम पेज। जिसे आप फेसबुक की वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको क्या पूछा जाता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो आप लॉग इन करोगे। ओके, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो देखिए सबका होम पेज का लेआउट डिफरेंट है, वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए जब भी ये वेबसाइट डिजाइन करने से पहले, जो उसकी थ्योरी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एनी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो उसके क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है, और परचेस बटन पे जब क्लिक करते हैं या सबमिट करते हैं आप इंटरेस्टेड हो, तो एक न्यू पेज किसका होना चाहिए, शॉपिंग कार्ट का, वहाँ पे टोटल आपका बिलिंग होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा मेन पर्पज हुआ। आपको मैंने इमेज के थ्रू और लिटिल बिट थ्योरी के थ्रू, ओके, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। तो उसके लिए हम वन बाय वन स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजर ओपन करना पड़ेगा, सेव करना है, और हम क्या बनाने की ट्राई कर रहे हैं, होम पेज। हमारा मेन पर्पज है होम पेज बनाते हैं, डायरेक्टली पेज नहीं बनाया जाता। ओके, और यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज सब कुछ ओपन करना है, तो कंपोजर को ओपन करना है, क्रिएट द न्यू वेब पेज, और सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंसर्ट टेबल। टेबल ऐड करने की टोटल 3 मेथड है, 3 मेथड से टेबल ऐड कर सकते हो। इसके लिए मुझको प्रैक्टिकल के थ्रू नेक्स्ट सेक्शन के अंदर समझाऊंगा कितनी वैसे टेबल ऐड कर सकता हूँ, बट इजी मेथड है इंसर्ट एंड टेबल। तो मेनू बार में जो 4th ऑप्शन है इंसर्ट में चले जाओ और ये टेबल ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे यहाँ पे क्लिक करोगे। टेबल का डेफिनेशन यू वेरी वेल नो, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ऐसा होता है। ओके, तो इसमें टोटल 4 रो अवेलेबल है, कि 3 कितनी है, 3 कॉलम कितनी है, 2। तो ये सबको मिला के हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ हम बनाएंगे पर सॉफ्टवेयर के कंपोजर के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट एंड टेबल, एग्जाम के लिए या वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंसर्ट में जाके टेबल 3 मेथड से यूज करने वाले, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल में मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट सिलेक्टिंग द सेल, तो आपको मिनिमम 1 × 1, जैसे ये 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पे आपको 3 टैब हैं, एक एक जो इमेजेस है स्क्रीनशॉट है उसको प्रॉपर समझते जाना। ओके, बाद में उसको एक 1 by 1 ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सूटेबल टाइटल रखेंगे, जैसे स्कूल प्लाजा का मैंने आपको इम्पोर्टेंट समझाया था। ओके, तो एक सेल मैंने ऐड किया,
वन मल्टीप्लाई वन वंस वन रो सेकंड। अभी देखो जितने भी हमने पिच दिया था उसके पहले हम क्या करेंगे, उसको टाइटल बार के अंदर सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोल फाइल में जाओ सेव करिए। देखिए यहाँ पे नेम आ चुका है, जैसे index.html जो फ्रंट पेज है उसका नेम क्या रखेंगे, हम होम पेज का नाम क्या रखेंगे, index.html। अभी यू नो वेरी HTML क्यों लगाते हैं, ये एक्चुअली हम वेब पेज बनाएंगे तो HTML उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। तो जैसे यहाँ पे आप सेव करोगे ऑन द स्पॉट, देखिए आपको पूरा पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे नेम स्टार्ट कर दिया तो आपका होम पेज का नेम आपका फिक्स है, क्या नाम रखा आपने, index.html। ओके अभी हम URL की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे ऑफलाइन काम करेंगे तो URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अदरवाइज गूगल के इनसाइड यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, बट हम फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिफॉर्म को देंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो भी आपका वेबसाइट है होम पेज को ओपन करने के लिए या ब्राउजर में यूज करने के लिए आपको कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, www.schoolplaza.com। अभी इसका भी बाइफरकेशन करते हैं, यू नो वेरी वेल www मींस व्हाट, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके डॉट स्कूल प्लाजा मींस जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसके वेबसाइट का नेम है स्कूल प्लाजा, एंड डॉट कॉम क्या है, डोमेन नेम, राइट, .com.org.edu वो स्पेसिफाई होना चाहिए। यू डोंट नो ये फाइल या आपकी वेबसाइट कौन ओपन करने वाला है, वो सर्वर पेज है, पूरे वर्ल्ड से कहीं भी कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट ओपन कर सकता है। जैसे गूगल के ऑनर को मालूम नहीं है उसका क्लाइंट कहाँ से उसकी वेबसाइट ओपन करेगा, बट आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसका एडवर्टाइज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका खुद का URL इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी वेबसाइट तक आपका क्लाइंट ओके व्यू कर सकता है, यूज कर पाएगा। ओके डिफॉल्ट फाइल द पेज नेम इज इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पेज का फ्रंट पे सेव करोगे तो उसका नाम क्या रखना है, index.html, और आपकी वेबसाइट का नेम है www.schoolplaza.com। तो दोनों क्लियर हुए, हम बना रहे होम पेज, होम पेज बनाने के लिए जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो करेंगे। सेकंड उसका नेम रख दिया मैंने index.html, और साथ में मैंने क्या किया, पूरी वेबसाइट का नेम schoolplaza.com है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट बुक कॉम्प्यूटर की टेक्स्ट बुक, ओके तो वो URL हुआ कॉम्प्यूटर की टेक्स्ट बुक, और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर के अंदर पहले क्या होता है इंडेक्स, अभी हम वन बाय वन फ्रंट पेज सब पेज उसके अंदर इमेजेस टेबल वो सब ऐड करना स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट, उसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड भी कलर होना चाहिए, उसके साथ हम टेबल सेल भी प्रॉपर्टी सेल डबल क्लिक करके, जैसे सिंगल सेल आप ऐड किया था उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आप ओके तो क्या ओपन होगा, टेबल प्रॉपर्टी, अदरवाइज राइट क्लिक करके भी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे टेबल प्रॉपर्टी ओपन करोगे आपको टू टैब डिस्प्ले होता है, फर्स्ट टेबल सेकंड सेल। अभी बोलोगे सर समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं स्क्रीनशॉट आपको थ्रू भी क्लैरिफाई करूंगा और प्रैक्टिकल भी करेंगे। दोनों के इंडिविजुअल सेल है और टैब भी है, टेबल मींस व्हाट, यू नो वेरी वेल टेबल मींस व्हाट, जैसे ये यहाँ पे मैं एक सिंपल टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें टू रो टू कॉलम है, ये जो डार्क होगा ना जहाँ पे हम एंट्री करें उसको क्या बोला जाता है, सेल, जो एक्टिव होगा ये टोटल, ये टेबल के अंदर फोर सेल है, टेबल के अंदर टू रो एंड टू कॉलम, क्लियर। तो ये हम फर्स्ट पॉइंट ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया है आपको टेबल के टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट टेबल की साइज क्या होना चाहिए, रो एंड कॉलम क्या क्या होना चाहिए, जिसे हमने बाय डिफॉल्ट वन वन ही ऐड किया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, टेबल के अंदर बॉर्डर एंड स्पेसिंग है, टेबल का बॉर्डर बाय डिफॉल्ट वन होना चाहिए, स्पेसिंग एंड पैडिंग टू डेफिनेशन टू कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिंग पहले क्लैरिफाई करता हूँ, टू सेल के बीच में जो गैप होता है, जैसे ये एक सिंगल रो है उसके अंदर एक मैं सेल बना रहा हूँ, उसके बीच में जो गैप है ना, आप लोगे सर गैप मींस व्हाट, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, प्रैक्टिकल के थ्रू और भी दो आपको डिस्प्ले करूँगा, बिटवीन टू सेल के बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिंग, मींस टू सेल के बीच में जो गैप है उसको क्या बोला गया है, स्पेसिंग। पैडिंग मींस व्हाट, ये एक सिंगल सेल के अंदर जो मैं लिखता हूँ और उसके सराउंडेड जो स्पेस है, ये स्पेस आपको दिख रही है राइट, उसको क्या बोला जाता है, पैडिंग। तो सिंपल अगेन डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूँ, और बॉर्डर तो यू नो वेरी वेल यहाँ पे जो है हाईलाइटेड उसको बॉर्डर बोला जाता है।
तो टेबल के अंदर बॉर्डर, फुल बॉर्डर जो पिक्सल में, स्पेसिंग दो सेल के बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिंग। पैडिंग मींस व्हाट, सेल के अंदर जो कंटेनर और उसके सराउंडेड जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, पैडिंग। ओके, नोट डाउन कर दीजिए ना, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, कभी भी वाइवा के इनसाइड या इंटरनल पूछ रहे। अभी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड, पूरे टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना, यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो एक ओके आरजीबी का एक टैब खुल जाएगा। ओके, ये सेल के बारे में हम स्टडी करके, सेल में के अंदर क्या होगा, सेल में हाइट, विथ और सेल का भी बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मींस व्हाट, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि टॉप, मिडल, बॉटम, ये वर्टिकल की बात। हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट, सेंटर एंड राइट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम टेबल बनाएंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट क्लियर करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल के अंदर इतना डेप्थ में मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, तो बी केयरफुल। वर्टिकल के अंदर थ्री, टॉप, मिडल, बॉटम। हॉरिजॉन्टल के इनसाइड थ्री, लेफ्ट, सेंटर, राइट। राइट, ये सेल की प्रॉपर्टी है, और ये सब किसकी थी, टेबल की प्रॉपर्टी। तो इनके स्वाइवा के अंदर पूछा, टेबल के अंदर बॉर्डर एंड स्पेसिंग अवेलेबल है, यस। सेल के अंदर क्या कंटेन अलाइनमेंट अवेलेबल है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर कितने ऑप्शन है, टॉप, मिडल, बॉटम। हॉरिजॉन्टल के अंदर कितने ऑप्शन अवेलेबल है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। दोनों में जैसे अप्लाई ओके कर दोगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपको सेल या टेबल आपको डिस्प्ले होने वाला है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ओके, तो देखिए मैं वन बाय वन क्लैरिफाई भी करवा रहा हूँ। तो ये हुआ टेबल के साथ बैकग्राउंड, सेम सेल के अंदर भी बैकग्राउंड है, दोनों मिक्स मत करना। ये टेबल के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये सेल के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, दोनों में कॉमन फीचर्स हैं। तो देखो सेम साइज के अंदर यहाँ पे फर्स्ट वो टेबल की साइज, बॉर्डर एंड स्पेसिंग, स्पेसिंग के अंदर भी है कैप्शन, टेबल का पूरा हेडिंग, टेबल अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट में लाने के लिए, और बैकग्राउंड कलर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, स्कूल प्लाजा या स्कूल प्लास, ओके, आपको जो भी नाम लिखना हो लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम टेबल बनाएंगे पर इसमें वन रो टू कॉलम। वन रो मीन्स व्हाट, ये एक सिंगल रो है, इसके अंदर कॉलम कितनी है, टू। तो ये हुआ सिंगल रो और टू कॉलम, कॉलम वन एंड कॉलम टू। नेक्स्ट, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, मैंने आपको इन्फॉर्म किया थ्री कलर मेन इंपॉर्टेंट है, आर जी बी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अप्लाई ओके कर दीजिए, रेडी हो जाएगा बैकग्राउंड कलर आपका, रेडी होगा। और लास्ट पिक कलर करने के लिए, इस एवरी टाइम आपको कलर सिलेक्ट करना हो, इसमें से एक कलर पेटर से फाइंड आउट करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, ये टेबल की बात करने के बाद इमेज की बात करें, इमेज को कैसे ऐड किया जाता है, तो उसके लिए भी आपको क्या है यहाँ पर सिलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड से इंसर्ट एंड इमेज, इंसर्ट एंड इमेज। तो आप जैसे इंसर्ट के अंदर जाओगे, ऑप्शन के अंदर फोर्थ के अंदर इमेज फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, अपन वेट करें। इसमें डोंट यूज अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम क्लैरिफाई करने वाला है। तो एक स्टेप में थ्योरी में एडवांस रहते हो, जिसे आपको थोड़ा सस्पेंस भी रहेगा और आप थोड़ा ओके, इमेज के अंदर क्या होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड मैंने क्या ऑप्शन बोला, डोंट यूज अल्टरनेटिव टेक्स्ट, क्यों, उसका रीजन है ये है। देखिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले द टेक्स्ट इन केस द इमेज इज नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट और डोंट अल्टरनेटिव टेक्स्ट में दोनों में डिफरेंट क्या है, जैसे इमेज प्रॉपर्टी आप ओपन करते हो तो टोटल फोर टैब है, लोकेशन, डायमेंशन, थर्ड अपीयरेंस एंड फोर्थ लिंक। उसके अंदर फर्स्ट लोकेशन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लाइट हाउस का इमेजेस ऑलरेडी इनपुट है, तो इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होगा प्रीव्यू में। बट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टूल टिप, जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो टूल टिप भी आपको यूज करना है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जैसे मैं एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ, राइट, बट जब भी इमेजेस डिस्प्ले नहीं होगी कहाँ पे, ब्राउजर के अंदर, तब यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखेगा। बट इमेजेस डिस्प्ले हो रही है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं दिखेगा, इसका मीन्स अल्टरनेटिव है। ओके, ये डिस्प्ले होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, उसका नाम ही ऐसा है। प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे तो और भी समझ में आए। तो मोस्टली हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको कंपलसरी टाइप करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेडियो बटन ऑप्शन अवेलेबल आइदर और के जैसा, क्लियर। तो ये ऑप्शन है
नोट डाउन करते जाना। अभी इसके अंदर भी इंसर्ट द अनदर टेबल टू रो टू कॉलम हमको यहाँ पे ऐड करना है। देखिए लोकेशन है, डायमेंशन है, अपीयरेंस एंड लिंक है। देखो एवरी टाइम मैं रिवाइज करने के लिए लास्ट पॉइंट ऐसे रखते हो तो फास्ट फॉर्म में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इमेज का लोकेशन जहाँ से इमेज आपको फैच करना है, अल्टरनेट टेक्स एंड डाउन अल्टरनेट टेक्स। अल्टर का मैंने मीनिंग आपको समझा दिया, वहाँ पे रेडियो बटन डार्क होगा तो कंपल्सरी आपको कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। इनकेस नहीं करना चाहते हो तो डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मेनू बनाना है, जैसे पेन, कैलेंडर, वो सबके बाद बाइफर्केशन करना हो, ऐसे मेनू डिवाइड करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड करना पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के लिए आपको कौन से मेनू में जाना है, सेम इंसर्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका टैग है HR। मे बी आपको थोड़ा HTML के बारे में क्लैरिफाई हो तो उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा HR। ओके तो मेनू डिवाइड के लिए तो देखो यहाँ पे यही क्लैरिफाई है, फर्स्ट ऑफ सेल टाइपिंग द कैटेगरी एंड न्यू प्रोडक्ट। मेनू ने आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट तो उसके अंदर देखा होगा, और डिफरेंट कैटेगरी है लाइक पेन के बाद अंडरलाइन मिस हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, नोटबुक के बाद, ऐसे मेनू को डिवाइड करेंगे। इसके लिए आपको कौन से मेनू में जाना है, इंसर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स्ट्रा जो मैंने थ्योरी दी है मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि ये आप नॉट से स्टेप आप प्रॉपरली एक बार रीड करोगे तो इन फ्यूचर आपको वीडियो देख के भी प्रैक्टिकल करना हो तो परफॉर्म कर सकते हो। इसके मैंने सब स्टेप यहाँ पे फॉलो करवाया हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी देखो टैब, हमको एक्स्ट्रा टैब ऐड करना हो, थ्री रो थ्री कॉलम, तो कौन से मेनू में जाना है, सेम इंसर्ट एंड टेबल। उसके अंदर टेबल के अंदर जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओनली फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और थ्री मल्टीप्लाई थ्री मीन्स फर्स्ट रो एंड कॉलम का टेबल एक बन जाएगा। ओके उसको बोला जाता है नेस्टेड टेबल। ओके उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट जो लिंक के बारे में समझेंगे। लिंक का मेन पर्पज क्या होता है, टू पेज को ज्वाइंट करना हो, एक पेज है ये सेकेंड पेज है, एक दूसरे को ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं। जैसे मैं आपको देखो सेशन वन टू थ्री के बीच में मैं लिंक बना के, जैसे आप सेशन वन कंप्लीट होने के बाद सेशन टू का वेट करोगे। ओके सर ने यहाँ पे थ्योरी तो समझा दिया, ओके अभी प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे सर। ओके तो ऐसा कुछ हम क्वेरी रखेंगे, लाइक मल्टीमीडिया में भी ऐसे ही होता है, एक एपिसोड देख लिया ओके कोई मूवी का या उसका पार्ट, तो सेकेंड के लिए आप वेट करोगे, सेम इसके जैसा ही है। लिंक इंपॉर्टेंट है, लिंक इज और करके कंट्रोल प्लस एल, कौन से मेनू में देखेंगे, इंसर्ट। तो देखो हमने इमेज देखा, टेबल देख लिया, फॉर्म भी चेक किया पार्ट वन के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, तो सब कुछ मिक्स मत करना। इसके लिए मैं एक 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 सेक्शन के अंदर एक पॉइंट भी क्लैरिफाई करवाते जा रहा हूँ, इंसर्ट एंड लिंक, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू भी यहाँ पे समझाया गया है आपको इंसर्ट एंड लिंक। ओके तो उसकी शॉर्टकट भी है और उसमें थर्ड ऑप्शन भी है, ये सबके टू टू मेथड्स हैं और लास्ट में हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। और यहाँ पे पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टी वो हमको यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर लास्ट में जब भी कोई ऐड करते हैं तो चेकबॉक्स, जो भी हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल पेन वन में लिख रहा हूँ, तो हम पेन वन परचेस करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर बॉक्स होगा और यहाँ पर लिखा होगा ऐड टू कार्ट, और इसको मैं टिक करता हूँ। ओके इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चेकबॉक्स। अभी ऐसा मत बोला सर ये कैसे ऐड किया जाता है। ओके उसके लिए आपको पार्ट वन के अंदर सेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है वो पूरा देखना पड़ेगा, हाउ टू ऐड द चेकबॉक्स। उसके लिए आपको फॉर्म फिल में जाके चेकबॉक्स ऐड करना है। जितने भी न्यू प्रोडक्ट है होम पेज के अंदर मिक्स इमेजेस ऐड करेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शंस ऐड करेंगे विद चेकबॉक्स। ओके क्वांटिटी यूज के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स। ओके तो ये हुआ उसका मेन यूज। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।